बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, सलोनी बिरयानी। चले देखते हैं सलोनी बिरयानी कैसे बनती है। पहले इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, फिर कुकिंग करते हैं। 1 किलो चावल, 2 चम्मच ज़ीरा, थोड़े से काली मिर्चें, 4 सफ़ेद इलायची, 5 से 6 दाने लौंग के, 3 काली इलायची, 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के, 3 या 4 तेज़पात, 1 किलो चिकन, 1/2 किलो टमाटर, टमाटर ज़्यादा डालेंगे इसमें, 6 से 7 आलू बुखारे, 6 हरी मिर्चें बीच में से हम काट लेंगे, 2 दरमियानी प्याज स्लाइस कर लेंगे, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, 2 से 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी अदरक, 2 चम्मच लाल मिर्चें, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 2 चम्मच नमक। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। सबसे पहले हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमने इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि ये बिरयानी है। हम ज़्यादा गर्म तेल में प्याज नहीं डालेंगे। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे। अब हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जब प्याज के साथ हम लहसुन अदरक को भूनते हैं तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब आप पकाएंगे आपको खुद महसूस होगी इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज अपना कलर छोड़ दे। ये अब आप देखिएगा प्याज अपना कलर छोड़ देगी। अब आप देखें वाइट से ब्राउन हो गया है पानी। अब मैं इसमें बाकी के मसाले डालूंगी। ये तमाम मसालों की तादाद मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बता दी है। अब हम ये तमाम मसाले इसमें डालेंगे और इसी के साथ बाकी के तमाम मसाले भी डाल देंगे। सफ़ेद मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्चें, धनिया, नमक। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। हमने ये प्यूरी इसलिए बनाई थी कि ये ग्रेवी में गाढ़ापन लाती है। आप प्यूरी नहीं बनाना चाहते, आप स्लाइस करके काट के भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें अब चिकन डालेंगे। अब हम इसमें चिकन डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह भून लेंगे। अब हमारा चिकन भून चुका है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी भी बने और हल्का फुल्का जो चिकन रह गया है वो भी गल जाए। अब हम इसको थोड़ी देर ढांक के रख देंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बस। अब 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम अपने सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। इसमें हम पहले चावल बनाएंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अब इस ऑयल में हम ये तमाम मसाले डालेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। सलोनी बिरयानी का मेथड बिल्कुल डिफरेंट है।
हम अक्सर बिरयानी बनाते हैं तो पहले पानी बॉईल करते हैं, फिर चावल डालते हैं। लेकिन इसमें पहले हम चावल डालेंगे, थोड़ा सा चावलों को हम भूनेंगे, फिर हम उसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे क्योंकि मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे। अब हमने पहले चावल डाल दिए, अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये मसालों के अंदर मिक्स हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ही भूनेंगे। आप जब भूनेंगे आपको इन चावलों की खुशबू इतनी अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये देखें चावल और मसाला मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। हम 1 किलो चावल में 3 पाव पानी डालेंगे। 3 पाव पानी हम इसलिए डालेंगे कि हम जब इसको दम लगाएंगे तो हम इसमें कोरमा भी डालेंगे। अगर हम अभी ही पानी डाल देंगे तो हमारे चावल बिल्कुल नरम हो जाएंगे। हमने इसमें पानी डाल दिया और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा। अब मैं इसको उबाल आने दूंगी। अब हम ढक्कन ढाँक देंगे और जब इसको उबाल आएगा फिर हम इसमें कोरमा डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि सलोनी बिरयानी का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब देखें चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसमें एक बीच में गैप बनाएंगे। पहले हम साइड पे कोरमा डालेंगे। हम कोरमा साइड पे इसलिए डालेंगे कि चावलों में इसका जायका आ जाए। साइड पे हमने ग्रेवी डाली और बीच में हम बोटियां डाल देंगे। अब हम इसमें पुदीना डालेंगे, बीच में ही रखेंगे सब। हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। देखिए हमने साइड पे ग्रेवी डाली है और चिकन बीच में डाला है और उसी के ऊपर मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाली हैं। अब हम इसको इसी तरह दम पे लगा देंगे। अब हम 10 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। अब हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डेकोरेशन के लिए टमाटर का फूल लगा देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, अब अदरक और 1-2 टुकड़े टमाटर में भी, ताकि वो भी खुश हो जाए। तो तैयार है हमारी सलोनी बिरयानी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।